नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कुआं बहोरीबंद की ग्राम पंचायत कुआं शेषनाग धाम मंदिर परिसर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। आज कथा के पांचवें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई, जिनका वर्णन कथावाचक दीपेश्वर पाठक द्वारा सुनाया गया, जिसे सुन भक्त श्रद्धालु मग्न हुए। भागवत कथा आगामी 29 अप्रैल भंडारे के साथ समापन किया जाना है, जो परम पूज्य बनवारी दास जी महाराज के सानिध्य में चल रही है, जिसके कथावाचक दीपेश्वर पाठक एवं भजन गायक सत्येंद्र साठी द्वारा किया जा रहा है। मंदिर कमेटी के राममिलन नायक सहित पप्पू उपाध्याय, अशोक गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, बारेलाल बर्मन, श्याम श्रीवास्तव, राकेश नायक, गोविंदा गुप्ता, मोतीलाल नायक, धर्मेंद्र गुप्ता, अजय नायक, सुरेंद्र गुप्ता, सत्येंद्र नायक सहित समस्त ग्रामवासी गणमान्य एवं भक्तों श्रद्धालुओं द्वारा चल रही भागवत कथा में पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की गई। संवाददाता पप्पू उपाध्याय। जो आकर के देखा कि दही का तीज पूरे आंगन में मचा हुआ है, लल्ला झूठ मुटायक करती थी तो मैं टाल जाती थी तेरी शिकायतों को कि चलो अभी छूटता है, लेकिन तू ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसलिए अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। छड़ी ली सुधा भैया ने हाथ में, छड़ी लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए, मारने के लिए माया मैया दौड़ी। ज्यों ही मैया दौड़ी, कन्हैया ऊपर से भाग गए। तब आगे आगे कन्हैया टकटकी लगाए भगवान की उस लीला को देख रहे हैं। प्रभु आगे आगे छोटे से बालक रूप में भाग रहे हैं और माता यशोदा छड़ी लेकर के पीछे।